वृद्ध को चारपाई पर यहाँ लोग ले जा रहे हैं क्योंकि रास्ते पर पानी भरा हुआ है और किसी वाहन से वहां से नहीं निकल सकते। वजह यही है कि एक वृद्ध को इलाज के लिए परिजन जो है चारपाई पर ले जा रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरसात में रास्ते में पानी भर जाता है। बेलसर ब्लॉक के उदयत नगर का मामला बताया जा रहा है, तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है पूरे रास्ते में और रास्ता तो हालांकि नजर भी नहीं आ रहा है, कच्ची सड़क दिख रही है और वो भी देखिए किस तरीके से पानी भरी हुई है। तो इलाज के लिए परिजन को ले जाना था वृद्ध को, यहाँ चारपाई के सहारे देखिए किस तरीके से अस्पताल ले जा रहे हैं लोग। ग्रामीणों ने सड़क बनाने की गुहार लगाई है, कई बार शिकायत की गई है, बावजूद इसके अभी तक ना तो सड़क का निर्माण किया गया है ना कोई दूसरी व्यवस्था की गई है कि आने जाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था जहां लोग जो है आराम से आ जा सके। भूतपूर्व सैनिक कैलाशधर दुबे एवं मेरे दादाजी भूतपूर्व सैनिक अनूपधर दुबे, मेरे दादाजी का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी जो भूतपूर्व सैनिक अनूपधर दुबे उनका स्वास्थ्य अचानक से ख़राब हो गया, उनको लेकर जाना पड़ा दिखाने के लिए। और दिखाने के लिए जब हमें जाना पड़ा तो हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास में कोई भी मार्ग नहीं है जिससे कि हम अपने दादाजी को लेकर जा सकें। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जब हमारे पास रास्ता नहीं है और उसके ऊपर पानी भर गया है, बाढ़ भी आ चुकी है अभी इस समय। अगर आप इस समय चल के देखें वहां पे तो वहां काफी बाढ़ यानी डूबने भर का पानी वहां पे भरा हुआ है। वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें सड़क पर पानी भरा हुआ है, ये उदमत नगर ग्राम पंचायत है बेलसर गांव की, जो कि पता चला है वहां का ये मामला है। तो देखने में तो लग रहा है कि काफी दिक्कत है वहां पर, बारिश के पानी की वजह से शायद वहां पर पानी बढ़ गया है। तो इसको पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या मामला है एक बार वहां के वीडियो से बात करके और वहाँ की ग्राम पंचायत अधिकारी से बात करके, और देखते हैं कि इस तरह इसका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है ताकि आगे से इस तरह की समस्या ना आए। और हमारे सहयोगी राजकुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या वीडियो से बात हो पाई है, उनको ये वीडियो दिखाया है, वीडियो साहब का क्या कुछ कहना है? मामले में वीडियो से तो अभी बात नहीं हुई क्योंकि सीडीओ साहब से मेरी बात हुई जो, तो उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले को दिखवाते हैं। हाँ, ये अलग चीज है कि उन्होंने उस वीडियो की पुष्टि की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ये है वहां पर जल भराव है तो एक बड़ी समस्या है, और जैसे ही यहाँ से जल हटता है, रास्ता साफ होता है, वैसे वहां पर जो उसकी सड़कें हैं वो बनवाई जाएंगी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जो क्योंकि वो गाँव में और जो उनके दो बेटे हैं वो खुद एक सैनिक हैं जो इस समय वो वर्तमान में कार्यरत भी हैं, और जो जिस व्यक्ति को वो अब चारपाई पे लेके जा रहे हैं वो भी कंधे के सहारे, वो भी एक भूतपूर्व सैनिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो देश के लिए, हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमा पर वो तैनात होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिले में एक हिसाब से कहा जाए तो जो जिला प्रशासन है वो विकास को लेकर, राजकुमार, सैनिकों का सम्मान एक अपनी अलग बात है, लेकिन अगर हम गाँव के लोगों के लिए भी बात करें, गाँव के लोग वहां रह रहे हैं, आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि सड़क गाँव तक पहुंचे, कम से कम ऐसा तो रास्ता हो जहां से लोगों को जब ऐसी परिस्थिति हो, इलाज के लिए जाना हो, तो कम से कम देखिए घुटने भर पानी में चारपाई पर किस तरीके से ले जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन जवाब देगा इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदारी पूरी जो जिला प्रशासन है उसको ओढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सरकारों ने भी कहा था कि हम विकास की गंगा बहा देंगे और आज सरकार उसी पैमाने पे काम भी कर रही है। कुल मिलाकर जो जिला प्रशासन है उसके पास बजट है, उसको सिर्फ अमल करने की जरूरत है और उसको मुख्य मार्ग जो है मुख्यालय से जोड़ने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो ये जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही, और ऐसे में देखिए वो सैनिक वो जिस तरीके से उसने कहा है कि वो हर जगह वो वीडियो से मिला है, वो डीएम से मिला है, सीडीओ से मिला है, उसने बाकायदा गुहार लगाई है कि हमारे गाँव में जाने के लिए। उम्मीद करते हैं राजकुमार ये खबर चलाने के बाद थोड़ी बहुत सजग हो जाए, जिला प्रशासन के अधिकारी जो हैं उनके नजर में ये मामला आए और आखिरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि किस तरीके से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, वो अगर काम ना करे तो।